नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति पाल, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एट वी क्लिनिक कानपुर। मैं आप लोगों से अपने एक पेशेंट का केस डिस्कस करना चाहती हूं, जिनका नाम था सुभाष कुमार। इनकी समस्या ये थी कि जब भी फ्रेश होने के लिए जाते थे तो इनके इंटरनल मस से बाहर आ जाते थे और फिर अपने आप अंदर चले जाते थे। लाइक वो सेकेंड ग्रेड पाइल से परेशान थे। जब भी फ्रेश होने के लिए जाते थे उस दौरान उनको दर्द, जलन, चुभन का एहसास हमेशा बना रहता था। पेट साफ नहीं हो पाता था। फ्रेश होने के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार जाना पड़ता था। फ्रेश होने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था और कभी कभी स्टूल हार्ड होने की वजह से उनके रेक्टम एरिया में कट लग जाता था। इस समस्या से लगभग 4 साल से परेशान थे। ऑनलाइन माध्यम के जरिए उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और दवाइयाँ ली। 2 महीने के इलाज के बाद आज ये 70 से 75% तक ठीक हो गए हैं। आइए सुनते हैं इनका फीडबैक। हेलो हेलो जी, सुभाष कुमार जी से बात हो रही है? हाँ, कौन जी? गुड मॉर्निंग सर, मैं वी क्लिनिक कानपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए जी। सर ये फीडबैक कॉल है सर, ये जानने के लिए कि आपको कितने परसेंट तक आराम हो गया है हमारी मेडिसिन से? 75 to 80% है। अच्छा अच्छा, फिलहाल अभी मेडिसिन ले रहे हैं? हाँ ले रहा हूँ, लेकिन हमको समझ में आ रहा लेना कितना दिन तक है। खाने पीने का तो ध्यान दे ही रहा हूँ, और कितना और का खाना आदमी नहीं छोड़ देगा। नहीं नहीं, खाने पीने का मतलब जैसे आपको जैसे बाहरी चीजें नहीं खानी है, ठीक है? पानी टाइम से पीना है। हाँ, और यही चीजें बस फॉलो करनी है और कुछ नहीं करना, बस मेडिसिन टाइम पे लेना और कुछ नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। बाकी ऐसा तो है नहीं, आपको आराम तो दिखा है ना, पहले से फर्क लगा एक नहीं आपको लगा? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। यदि आपको भी पाइल्स फिशर फ्यूशला जैसे किसी भी बीमारी संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे कि रेक्टम एरिया में दर्द का घंटों बने रहना, लैटिन के दौरान ब्लड का आना, या फिर मवाद का डिस्चार्ज होना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।